पे हल्दीराम्स का ब्रेकफास्ट मेन्यू जैसे मैं आपको बता रहा था। सो आई गाइस, सन विद द साइड फ्रॉम वेजी भाजी, और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये वीडियो होने वाली है पार्ट वन ऑफ द 3-पार्ट सीरीज जो हम लोग करने वाले हैं चैनल पे, जहाँ पे हम लोग खाने वाले हैं सारा का सारा मेन्यू हल्दीराम्स का। हल्दीराम्स का ब्रेकफास्ट मेन्यू होता है जो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। अगर आप कभी भी दिल्ली, आगरा, जयपुर वगैरह, तो अपने हल्दीराम्स के बारे में जरूर सुना होगा। बहुत बड़ा QSR है जहाँ पे आपको मिठाइयाँ मिलती है, बेसिकली मिठाइयों का ब्रांड है, बट साथ में स्ट्रीट फूड भी बहुत यमी मिलता है। तो वहाँ पे हम लोग, उनका ब्रेकफास्ट मेन्यू रहता है बहुत ही ज़्यादा हाइजीनिक रहता है, और बहुत ही एक ऐसी चीज़ रहती है जिसको आप बार बार खा सकते हो एज अ डेली ब्रेकफास्ट ऑप्शन के लिए, और बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल भी रहता है। वैसे अगर आप हल्दीराम्स में कभी भी खाओ तो एक्सपेंसिव रहता है, बट ये ब्रेकफास्ट मेन्यू में आपको कम से कम 40-50% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो पूरा का पूरा ब्रेकफास्ट मेन्यू खाने वाले हैं इस सीरीज़ में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले सॉरी, बिकॉज ये वीडियो आने वाली थी थर्सडे को, बट कुछ कुछ ऐसा हुआ, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाली थी, मेरी आई इंजरी हो गई थी, तो अभी भी पूरा रिकवर नहीं हुआ। तो अगर आपको कुछ अलग लगेगा इस वीडियो में तो 2-3 दिन के लिए उसको देख लेना। तो आई इंजरी हो गई थी, अब वो रिकवर हो रहा हूँ धीरे धीरे, तो काम है। तो वीडियो बना रहा हूँ अभी, और क्योंकि ये वीडियो तो पूरी बन चुकी थी, बस इसका एक पार्ट नहीं बचा था। जो वीडियो के ना हमसे एक नए सेगमेंट स्टार्ट किया है लास्ट वीडियो से, जो वीडियो के एंड में आप लोगों के बेस्ट कमेंट्स फीचर करूंगा, वो सेगमेंट मेरे को शूट करना था। तो अभी मैंने जस्ट वो शूट करा अभी, और अब मैं यहाँ पे एक इंट्रो बना रहा हूँ, बिकॉज मेरे को ये मैसेज भी शूट करना था। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। और आप जो नया वाला सेगमेंट स्टार्ट किया ना कमेंट्स वाला, आप लोगों को देख के मज़ा आएगा, आप लोग एंजॉय करोगे। तो भाई वीडियो एंजॉय करो और अपना ध्यान रखो, बिकॉज मेरी जो इंजरी हुई है ना, एक सिर्फ छोटी सी USB केबल से हुई है। तो भाई ध्यान रखो, छोटी सी छोटी चीज़ भी हानिकारक हो सकती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, 3-2-1। तो आज डे वन का खाना फाइनली आ गया, ब्रेकफास्ट मेन्यू, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये है मसाला डोसा। और इस वीडियो में वैसे तो मैं सारा मेन्यू ट्राई करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट वाला, बट मसाला प्लेन डोसा नहीं लेने वाला, बिकॉज प्लेन डोसा जस्ट बिना मसाले के होगा। चटनी है, सांभर है, इधर मैंने लिया पानी पूरी ओनली 48 रुपीज़ की, आलू की फिलिंग, और ये मैंने लिए हैं सूजी वाले पानी पूरी, सूजी वाले गोलगप्पे, क्योंकि मुझे आटे वाले नहीं पसंद। अगर आपको आटे वाले पसंद है तो मुझे कमेंट करके बताओ क्यों पसंद है भाई आपको आटे वाले। और ये है हमारी पाव भाजी, यहाँ पे पाव भाजी एक ही पीस पाव का देते हैं। और ये है इनकी प्याज, और ये रही इनकी भाजी, भाजी मैं आपको थोड़ी दिखाता हूँ, काफ़ी यम्मी होती है। तो अब एक फ़ोटो खींचते हैं कि इनकी, जो जाएगी मेरे इंस्टाग्राम पे, और फिर खाना शुरू करते हैं। इसको बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो हम लोगों का पूरा खाना आ चुका है, और मैंने एक बढ़िया सी फोटो खींच ली है इंस्टाग्राम के लिए, आप नीचे आके देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। और आपको ये अगर फोटो देखनी है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिंक सारे होंगे, जाके उसको फॉलो करो, और बस ऐसी रोज़ डेली डेली फोटोज़ आते रहती है। स्टार्ट करता हूँ मैं पानी पूरी से, पहले एक स्पून लेता हूँ, उसमें डालता हूँ थोड़े से आलू और चने की स्टफिंग, उसमें डालता हूँ सौंठ की चटनी, और इसको डालता हूँ मैं ओए, और इसको डालता हूँ मैं पानी में, सुबह के बज रहे हैं 10:15, और मैं पहला अनोखा बंदा हूँ जो 10:15 बजे पानी पूरी खाने बैठ गया। पर अगर आपको सही बात बताऊँ तो गोलगप्पे खाने का कोई सही टाइम नहीं होता, जब मन करे और जब गोलगप्पों की आवाज़ आए, सोते सोते गोलगप्पों की आवाज़ सुनाई दे रही है, आज खाने का मन है तो खा लो। एक और खाता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सवा दस बज रहे हैं सुबह के, 10:15 बजे, अनबिलीवेबल। अब आ जाओ पाव भाजी पे, ये है हमारी पाव भाजी, पहले थोड़ी सी भाजी टेस्ट करते हैं कैसी है। इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है जैसे कुछ जगहों पे, कुछ स्ट्रीट फूड में बहुत स्पाइसी होती है, बट बहुत क्रीमी है और बहुत अच्छी फ्लेवरफुल है, मसालेदार है। मैं यहाँ पे भाजी खाते रहता हूँ, और ये इनका पाव है, पाव ये एक पीस ही देते हैं, पर जो पाव होता है बहुत बड़ा होता है, तो शायद पेट भरे शायद ना भरे, मेरा तो इनका पाव भाजी खा के कभी पेट नहीं भरता, पाव भाजी के साथ कुछ और ही मंगवाना पड़ता है।
दिया पाजी में। यार ये मेरे से ना कभी होता नहीं है वो काम ना, ये बहुत वीडियो में ना मैंने देखा, और मेरे साथ बनाते भी हैं वो स्ट्रीट फूड वाले, ऐसे ऐसे फेंकते हैं चाकू से। एपिक फेल, मेरे से कभी नहीं होता ये। चलो एकदम नींबू वाली भाजी हो गई है, थोड़ी सी चटनी लूँगा भाजी में डाल के। कमाल का। अब बढ़ते हैं अपने डोसे पे, आ जाओ। ये डोसे पे ना भाजी गिर गई चटपट सी, ये आप देख सकते हैं डोसे की स्टफिंग कितनी है। अच्छा यहाँ पे ना ये सिर्फ पहली ऐसी चीज़ है, ये गोल गप्पे के पानी का अलग रखता हूँ, ये पहली ऐसी चीज़ है जिसको खा के आपका पेट भर जाएगा ब्रेकफास्ट के सबसे। पाव भाजी अगर आप खाओगे ना आपको साथ में कुछ और लेना पड़ेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। पाव भाजी बहुत लाइट है यहाँ पे, और पाव भी एक ही है, डोसे को खा के शायद पेट भर जाएगा। पानी पूरी तो मजाक ही है, मतलब ब्रेकफास्ट में कौन खाता है पानी पूरी। अब ये डोसे की स्टफिंग देख सकते हैं, डोसे की एक बाइट लेता हूँ मैं। और यहाँ जो चटनी है ना इनकी, वो ये धनिया और नारियल वाली चटनी है इनकी। चलो खाते हैं। सांभर भी काफ़ी बैलेंस्ड और काफ़ी अच्छा है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको जैसे बता रहा था ना, काफ़ी लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं बिकॉज आजकल लाइफ इतनी हेक्टिक हो गई है कि टाइम नहीं मिलता सुबह ब्रेकफास्ट करने का, दोपहर में लंच करने का, रात को डिनर करने का, तो जो मिलता है खा लेते हैं लोग। अब उस बीच में आप लोग स्ट्रीट फूड पे रहते हो, और स्ट्रीट फूड ऐसी चीज़ है जो आप रोज़ रोज़ नहीं खा सकते। आप डोसा रोज़ नहीं खा सकते, आप पाव भाजी रोज़ नहीं खा सकते, इतना बटर और इतना मसाले वाला। तो आपको कुछ चाहिए, कुछ बैलेंस, कुछ हाइजीनिक चाहिए। हाइजीनिक खाना अगर आपको, अगर आपके घर के पास ये ब्रेकफास्ट मेन्यू सर्व करते हैं हल्दीराम्स, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15, और 10:15 बजे मुझे मेरे घर के आसपास तो कहीं डोसा, पानी पूरी और पाव भाजी खाने को मिलेगी। अगर मेरे को खाने को मिल भी जाए तो मेरे को हाइजीनिक वाला ऑप्शन, मैं ब्रेकफास्ट के लिए एज अ रेगुलर कस्टमर रोज़ रोज़ खाना चाहूँ तो मैं प्रेफर करूँगा। अब आज इस खाने को ख़त्म करते हैं, देखते हैं पेट में अगर जगह बचती है कि नहीं। फिर आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट डे पे, अभी आज के लिए बस। तो अब ये देख सकते हैं हल्दीराम्स का ब्रेकफास्ट मेन्यू, जैसे मैं आपको बता रहा था 11:30 बजे तक रहता है, 9 बजे 9:30 तक आउटलेट्स खुलते हैं इनके, मोती नगर, तिलक नगर, रोहिणी, पीतमपुरा, ज्वालाहेरी, चांदनी चौक और जनकपुरी, ये कुछ 5-6 जगहों पे हैं। वहाँ पे 60 रुपीज़ में ऑलमोस्ट आपको मिलता है। ये इनका रेगुलर मेन्यू है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इनका रेगुलर मेन्यू, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं अगर आपको इसको करना, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका ब्रेकफास्ट मेन्यू के ऑप्शंस, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती है, दाल कचौड़ी, पूरी, पराठा, इडली, सांभर, कचौड़ी, पापड़ी चाट, छोला पापड़ी, पाव भाजी, डोसा, छोले भटूरे। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आलू प्याज पराठा, यहाँ पे 90 रुपीज़ प्राइस है इसका। और अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे मसाला डोसा जो मैंने आज दिया, 150 रुपीज़ प्राइस है अगर आप ब्रेकफास्ट मेन्यू में नहीं लेते तो। ब्रेकफास्ट मेन्यू में मसाला डोसा हाफ रेट हो जाता है और पराठा भी हाफ रेट हो जाता है, ऑलमोस्ट सब चीज़ें हाफ रेट हो जाती है। पराठा अच्छा 90 का 60 है, बट वैसे भी काफ़ी रीज़नेबल है। आप कहीं पे भी खाने जाते हैं ब्रेकफास्ट में इतना तो लग ही जाता है। और अभी हम लोगों ने 3 चीज़ें मंगवाई है, जैसे आप देख सकते हैं 218 बिल आया, बट अगर हम लोग स्पीड से चलेंगे तो मेरे को आई थिंक 5-6 विजिट लग जाएगी यहाँ पे पूरा खाने की। तो देखते हैं कैसे रहता है ये। तो बढ़ते हैं हम अपने कमेंट्स पार्ट ऑफ द वीडियो में, जिसके अंदर मैं फीचर करता हूँ आपके बेस्ट कमेंट्स। इसके अंदर मैंने डिसाइड किया है जो भी रिलेटेड वीडियो होगी, जैसे आज की जो वीडियो होने वाली है वो रेस्टोरेंट से रिलेटेड वीडियो होने वाली है, तो जो भी मेरी रेस्टोरेंट से रिलेटेड वाली वीडियो होगी उसका मैं कमेंट फीचर करूंगा। मेरी इंडियाज बिगेस्ट थाली जो मैंने वीडियो डाली थी कि कैसे आप वो थाली फ्री में जीत सकते हैं, तो जाते हैं मैंने वो वीडियो खोल लिए, सबसे नीचे पहुँच जाते हैं और आप लोगों के बेस्ट कॉमेंट्स देता हूँ। कमिंग अप इन 3, 2, 1। तो वर्षा मिश्रा कह रहे हैं कि मस्त थाली, पेट फट जाएगा पूरी थाली खा के, हा हा हा। तो भाई ये जो थाली मैंने डाली थी ना, इसके अंदर अराउंड 30-35 आइटम्स थी, 9 किलो इस थाली का वेट था, तो ऑब्वियसली पेट तो फट ही जाएगा अगर आप अकेले पूरी थाली खा लोगे। सुरेश ग्रेवाल कह रहे हैं कि यू आर अ ग्रेट फूड एक्सप्लोरर,
आप लोगों का ऐसे ही सपोर्ट मिलते रहे तो ऐसी यूनिक यूनिक चीज़ें आपके लिए हफ्ते में चार बार लाते रहूँगा, इसलिए सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके सब्सक्राइब बटन और साथ में नोटिफिकेशन का घंटा होगा उसको भी दबा लेना। तो अक्षित गौतम पूछते हैं, इज यूट्यूब योर फुल टाइम वर्क? हाँ भी और ना भी। आप नाम देख रहे हैं अभी, वेजी भाजी, वो है मेरा फुल टाइम वर्क। यूट्यूब के साथ साथ मेरी वेबसाइट भी है, मेरा इंस्टाग्राम भी है, मेरा फेसबुक भी है, तो काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं। हफ्ते में चार वीडियोस तो आप यूट्यूब पे देखते हैं, उसके साथ डेली का कंटेंट आता है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, और सब अलग अलग होता है, वेबसाइट पे ब्लॉग्स आते हैं, तो हाँ भी और ना भी। अरजीत गोस्वामी लिखते हैं, क्या बात है पाजी, कभी बॉम्बे आ जाओ फूड ब्लॉगिंग के लिए। आपकी बात सुन ली, जनवरी में आ रहे हैं बॉम्बे, और आपको अगर कोई भी जगह सजेस्ट करनी हो कि बॉम्बे में ये ट्राई करना है ये ट्राई करना, तो इंस्टाग्राम पे जाओ, यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिंक्स आ रहे होंगे, मैसेज डालो यार इंस्टाग्राम पे। पूरी अभी लिस्ट बन रही है, ट्रैवल आइटनरी बन रही है कि कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या खाना है और क्या क्या करना है बॉम्बे में। बस सेकेंड वीक में मैं पूरा बॉम्बे में रहूँगा और पूरा फूड एक्सप्लोर करेंगे आप और साथ में मिलकर, शायद मिलेंगे भी, कुछ बनाते हैं प्लान मिलने वगैरह का। तो अनुभव कुमार लिखते हैं, मुझे भी सिंधी स्वीट्स एंड बीकानेर वाला के मोतीचूर लड्डू बेस्ट लगते हैं। आपको बीकानेर वाला के मोतीचूर लड्डू बेस्ट लगते हैं, बट ये हल्दीराम्स की वीडियो, तो आप बताओ हल्दीराम्स का क्या बेस्ट लगता है। देख रहे हो आप कहाँ से एक वीडियो से दूसरी वीडियो में। बट खैर, आप लोगों ने कभी अगर चंडीगढ़ में सिंधी की स्वीट्स के मोतीचूर लड्डू नहीं खाए, बेस्ट, मज़ा आ जाएगा खा के। तो ये थे आज के टॉप 5 कमेंट्स पुरानी वीडियो के, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ बढ़िया सा कमेंट कर लिया करो। सब्सक्राइब के साथ ही एक नोटिफिकेशन का आइकन होता है उसको ऐसे दबा दिया करो, जिससे आपको हफ्ते में चार वीडियोस डालता हूं, सबसे पहले पता चले कि भाई वेजी भाजी की वीडियो आ गई और वेजिटेरियन वीडियो देखनी बनती है। तो हम देखते हैं और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होने वाली है कल ही, बिकॉज सैटरडे और संडे लगातार वीडियो आती है 6 बजे। तो वीडियो मिस ना करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, कुछ बढ़िया सा कमेंट कर लिया करो। आप मुझे बताओ आपको हल्दीराम से सबसे बढ़िया क्या लगता है। और मैं तन्मय फ्रॉम वेजी भाजी अभी तो निकलता हूँ किसी और वेजिटेरियन खाने की तलाश में, आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एंजॉइंग एंड स्टे वेजिटेरियन। बाय बाय।